ऑडियो जंगल हैबिट्स या स्किल की दुनिया में मैं आगे आपको पांच ऐसी लाइन बताने वाला हूँ जो सबका दिल जीत लेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, प्रसिद्धि मिले व लोगों का दिल जीत सके। यह केवल बातचीत की कला से ही संभव है। भले ही घर हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य क्षेत्र, हर जगह महत्वपूर्ण लाइनों के जरिए आप लोगों के दिलों में गहरे उतर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि वे क्रांतिकारी बातें क्या है जिनका इस्तेमाल हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, आप बड़े अच्छे या युवा नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहे कैसे भी दिखे, भीतर से उसकी इच्छा होती है कि कोई उसे भी अच्छा बोले। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह इच्छा भी बढ़ने लगती है कि कोई उसे युवा बोले। आज तो कुछ खास बात है या आज आप बहुत यंग लग रहे हैं। अगर आपने किसी के बारे में ऐसी दो लाइनें बोल दी तो उस दिन के बाद से वह जब भी आपके बारे में सोचेगा अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि आज के समय में लोग एप्रिसिएट की जगह उसको अनएप्रिसिएट कर देते हैं, जिससे उसको अपने ऊपर लो कॉन्फिडेंस लगता है। तो अगर आप किसी इंसान को भी आप तारीफ करेंगे तो कल आपके लिए बहुत सी परिस्थिति में काम आ सकता है। दूसरा लाइन, मैंने आपकी सलाह मानी, उसने गजब का काम किया। हम कई मुद्दों पर लोगों से सलाह लेते हैं। अगर आपने किसी से सलाह ली तो बाद में उससे मिलते समय इतना ही कह दे कि मैंने आपकी सलाह मानी और गजब का काम हुआ, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होगा। हर व्यक्ति को तब अच्छा लगता है जब आप उसे महत्व देते हैं, क्योंकि आजकल इंसान सलाह तो ले लेता है और उससे उसका काम हो भी जाता है तो बहुत से इंसान को धन्यवाद दे नहीं पाता। कई लोग ईगो में आ जाता है कि इसे तो मैं अपने दिमाग से हल किया करके, वो भूल जाते हैं कि इस काम का पूरा होने के पीछे किसी का हाथ है। तो याद रखिए, इससे आप ऊपर से नीचे कब आएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जिससे सलाह लेकर आपका काम हुआ उसका भारी बिल्कुल बने और उनसे आगे क्या करना चाहिए करके पूछो और बोलो, क्योंकि आपकी सलाह गजब का रहता है। इससे अगली बार वह व्यक्ति और बेहतर सलाह देने का प्रयास करेगा और आने वाली किसी भी समस्या पर आपकी मदद भी करेगा और उस व्यक्ति को अपने सलाह पर अटूट विश्वास होगा। तीसरा लाइन, आपकी सोचने का नजरिया बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों का सोचने का तरीका वास्तव में काफ़ी अच्छा होता है। चाहे कितने भी तनावपूर्ण हो, वे लोड नहीं लेते हैं, वे जिसके साथ मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, थोड़ी बहुत सबकी मदद करेंगे, किसी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं बोलेंगे। आप ऐसे लोगों से कह रहे हैं, आपकी सोचने का नज़रिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तारीफ से दो फायदे होंगे, एक वह व्यक्ति भविष्य में और भी काम करने को प्रेरित होगा और दूसरा आपके प्रति उसके मन में सद्भावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के समय में लोग उनके सोच से काम ले लेते हैं लेकिन उसे महत्व नहीं दे पाता। कई लोग को जब उसकी गलती को सुधारने के लिए बताते हैं तो वे नाराज होकर उसके प्रति गलत सोच बैठा लेते हैं। तो आप उस गलती को सीखेंगे और जब आगे आपको सफलता मिलेगा तब आपको उस दिन की गलती का एहसास होगा। चौथा लाइन, मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है, कहाँ से लाते हैं इतना एनर्जी। यह भी एक जबरदस्त लाइन है। यह सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपके सामने एकदम हाई एनर्जी में रहेगा। जो लोग जीवन में जमकर मेहनत करते हैं उनके लिए आप टॉनिक की तरह काम करेंगे। अपने स्टाफ, परिवार के सदस्यों, दोस्तों की एनर्जी की तारीफ करते रहें। कभी अपने जीवन साथी से भी कहिए कि आप थकते नहीं हो सारा दिन, कहाँ से लाते हो इतना एनर्जी। इससे आपकी छोटी मोटी गलती इग्नोर कर दी जाएगी। बहुत से लोग रहते हैं जो पूरे जोश जुनून के साथ मेहनत तो करते हैं लेकिन जो टारगेट लिए थे वो पूरा नहीं होता है, तो वो अपने अंदर आलसीपन या लो कॉन्फिडेंस ला लेते हैं, जिससे वे अगले दिन लक्ष्य के लिए पहले जितना एनर्जी लाया था उतना नहीं ला पाते। तो उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए और उसको महत्व बताओ कि आप कर सकते हैं, आपके पास मुझसे भी ज़्यादा एनर्जी है। फिर देखना, जब वो कोई लक्ष्य हासिल करेंगे तो वो आपके ज़्यादा भारी रहेंगे कि आप मेरे को सही समय में सही बातें बताए करते थे। पांचवा लाइन, ये दुनिया आप जैसे लोगों की वजह से खूबसूरत है। सही बात है कि जब किसी के द्वारा आप
का काम हो जाए या आपको खुशी महसूस हो तो बिल्कुल उस इंसान का इज्जत और सम्मान करो। कई लोग वास्तव में सबके काम आते हैं और भीतर से अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की लगातार प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा कहने से सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाएगा और जहां भी जाएगा आपको याद करेगा। जहां भी कोई भी तकलीफ में होगा उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आपके वे शब्द छा गए हैं। यह दुनिया आप जैसे लोग के कारण अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग ग्रोइंग।